फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको स्लिप की डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ। देखिए, मैंने स्लिप की लेंथ 8.5 इंच रखी है और इसकी विथ देखिए 9 इंच है, और इसके जो मैंने कटिंग की है देखिए उसको मैंने 5.5 इंच रखी है। तो 3 इंच की मैंने यहाँ से देखिए कटिंग की है और 1 इंच हाफ इंच माइनस किया आगे के साइड से। अब इस साइड से मुझे डिज़ाइन करना है, तो ये मेरा ऊपर का साइड जहाँ से हम जॉइंट करेंगे, ये मेरा नीचे का साइड का है स्लिप। तो यहाँ से हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे मार्क कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी मार्क करना है डिज़ाइन का। ये मैं डिज़ाइन का मार्किंग पूरा कर लेती हूँ। ये मैंने मार्किंग कर दिया डिज़ाइन के, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जहाँ से मैंने मार्क किया सेम इसी जगह से हम पूरा कट कर देंगे इसको। तो ये देख लीजिए मैंने स्लिप की कटिंग अच्छे तरीके से पूरी कर दी है। अब मैं कपड़ा ले लेती हूँ और इसकी भी कटिंग मैं बीच से बिल्कुल कर लेती हूँ। ये मैंने कटिंग कर दी है इसकी भी। अब दोनों पार्ट मेरा कट चुका है, इसको मुझे स्टिच करना है। चलिए मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, वीडियो में आप देखते रहिए। अच्छे तरीके से पूरा हम स्टिच कर देंगे इसको। ये देख लीजिए मैंने स्टिचिंग इसकी कर दी है कम्प्लीटली। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो उसको हम कट करके पूरा निकाल देते हैं। तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट करके निकाल दिया है। अब पूरा हम कट्स लगा देंगे बीच में। अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने स्लिप को पूरा सीधा कर दिया है, पूरा मेरा स्लिप सीधा हो चुका है। अब इस पर मुझे जो डिज़ाइन करना है स्टिचिंग करनी है इसकी ऑलराउंड। तो ऑलराउंड स्टिचिंग अच्छे तरीके से पूरा हम कर देते हैं इसकी। तो डिज़ाइन को अच्छी तरीके से पूरा सीधा करते हुए एक सिलाई लगा के इसको स्टिच कीजिएगा। जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में आपको करके दिखा रही हूँ, सेम ऐसे आपको भी स्टिचिंग करनी है इसकी। मेरा स्लिप देखिए स्टिच हो चुका है, एक सिलाई लगा के इसकी हम ऑलराउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसकी स्टिचिंग कम्प्लीटली पूरा कर दिया है। अब मैंने ये देखिए कपड़ा लिया, इसकी मैं देखिए क्रॉस में कटिंग कर रही हूँ। इसकी मैं पतली पतली पट्टियाँ कट कर ली हूँ, इसको मैं जॉइंट कर देती हूँ। इससे मुझे पाइपन करना है, तो ये स्ट्रेचेबल रहता है क्रॉस कटिंग करने पे कपड़ा। तो ये देख लीजिए मैंने पूरा जॉइंट कर दिया है कपड़े को। अब पहले हम साइड में इसको कट कर देते हैं। अब इसको मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। अब एक साइड में हम इसके एक सिलाई लगा के पूरा स्टिच कर देंगे पट्टी को। तो ये देख लीजिए मैंने पूरी पट्टी स्टिच कर दी है अच्छे तरीके से। अब मैं कपड़ा ले लेती हूँ स्लिप का, देख लीजिए। अब इसके हम साइड में जितना आपको चौड़ी या पतली पट्टी बनानी है उसी हिसाब से आप सिलाई लगाइएगा कपड़े पे। सिलाई लगा के हम इसको पूरा जॉइंट कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरा पाइपन को बनाने के लिए कपड़े को स्टिच कर दिया है। अब यहाँ से बिल्कुल अच्छे से राउंड करते हुए दूसरे साइड कपड़ा करते हुए अच्छे तरीके से स्टिच करके पाइपन को बना लेते हैं। तो आप वीडियो में देख लीजिए, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं कैसे पाइपन बना रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही न्यू ट्रिक से मैं पाइपन बना रही हूँ। कपड़े को पहले उलट कर फिर इसके बाद मैं पाइपन को स्टिच कर रही हूँ कपड़े पे। इससे हमारा पाइपन बहुत ही अच्छा बिल्कुल राउंड में आता है। ये देख लीजिए मैंने पूरा स्लीव पे पाइपन बना लिया है, मैंने दोनों पार्ट कम्प्लीटली बना दिया है। अब मैं गोल्डन कलर की मोती ली हूँ, यहाँ से मैं मार्क कर लेती हूँ। तो
मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से मैं मोतियों को स्टिच कर देती हूँ। आप वीडियो में देखते रहिए। अच्छे तरीके से हम मोतियों की यहाँ से स्टिचिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम मोतियों को स्टिच करके यहाँ से लॉक कर देते हैं। तो मैंने मोती देखिए लगा दिया है। इसी तरीके से मैं और मोतियाँ लगा के आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे मैं मोतियों को लगा रही हूँ स्लिप्स पे। ये मेरी दूसरी मोती है, ये भी लग चुकी है। नीचे के साइड से धागे को लॉक कर लीजिएगा। अब यहाँ से मैं तीसरी मोती लगा लेती हूँ। इस तरीके से जैसे मैंने बताया, ऐसे ही हम पूरे मोती को लगा लेंगे स्लिप पे, जहाँ से हमें डिज़ाइन किया है मोती लगाने वाली। यहाँ से हम लॉक कर देंगे धागे को, देख लीजिए ऐसे ही हम पूरा लगा देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए पूरा मोती लगा दी है। मेरी सुंदर सी स्लिप डिज़ाइन, बिल्कुल स्टाइलिश डिज़ाइन कम्प्लीट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को इनेबल करके लेटेस्ट डिज़ाइन ब्लाउज देखने के लिए और स्लिप्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।